जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं, बेखबर हमसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, ऐ आसान जान जान, खुद से जो अगर तुम पूछो, तुम्हारे के नहीं। तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। आज के एपिसोड में मैं अपने दोस्त शंकर के साथ उसकी बाइक पर उड़ा चला जा रहा हूं करेरी विलेज की तरफ। सुबह सुबह 5 बजे का वक्त है, हल्की हल्की बारिश का सा मौसम है, आसमान में काले बादलों का जमावड़ा है और उनके गरजने की आवाजें भी हैं। ये हमारा चंडीगढ़ से वीकेंड ट्रिप है, जिसे हमने कल यानी फ्राइडे नाइट करीब करीब 11:30 बजे शुरू किया था और 214 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं हम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आज सैटरडे को हम लेक तक ट्रैक करेंगे, रात में करेंगे लेक साइड कैंपिंग और संडे मॉर्निंग सनराइज देखने के बाद वापसी करेंगे चंडीगढ़ के लिए, ताकि मंडे मॉर्निंग फिर से ऑफिस ज्वाइन कर सकें। पाँच से छः घंटे का लंबा सफ़र करके धर्मशाला से होते हुए हम पहुंचने लगे हैं करेरी विलेज, जो कि यहां से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बादलों से घिरे पहाड़, हरे भरे पेड़ों से भरे रास्ते, छोटे छोटे गांव से होते हुए हम अब करेरी विलेज पहुंच चुके हैं। करेरी विलेज खुद में बहुत खूबसूरत और शांत सा गाँव है, जिसकी आबादी बस कुछ ही हजार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पहुंचा हूं करेरी विलेज और यह है करेरी विलेज का पहला नज़ारा। आगे का ट्रिप, आगे का ट्रैक क्या है, रूट कैसा है, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए करेरी विलेज कैसा है, नीचे दिखने वाला एक खूबसूरत सा गांव करेरी विलेज, और इसी गांव से होते हुए इस कच्चे रास्ते से आप पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करेरी लेक ट्रैक, जिसे कहा जाता है नॉले ब्रिज। तो चलिए चलते हैं। ये हैं खूबसूरत नज़ारे करेरी लेक ट्रैक फ्रॉम करेरी विलेज टू नॉले ब्रिज। ये है पहला नज़ारा नॉले ब्रिज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बारिश का मौसम हो चला है, बादल ऊपर है और किसी भी वक्त बरसना शुरू कर देंगे। मैं आपको दिखाऊं कि जब आप इस जगह पर हो तो ट्रैक कहां से आपको स्टार्ट करना है। आप इस तरफ देखिएगा, ये जो शॉप आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रही है, इसी शॉप से ये रास्ता जा रहा है। देखिए ये ट्रैक है, यहां से स्टार्ट होता है, इन सीढ़ियों से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये पूरा पहाड़ आप क्रॉस करेंगे, पीछे वाले पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो ये है वो ट्रैक जो लेकर जाएगा आपको करेरी लेक की तरफ। मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, अगर बादल इतने गरज रहे हैं तो बरसेंगे ज़रूर। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लो, पानी की कुछ बूंदें तो मेरे ऊपर गिर भी चुकी हैं। थोड़ा इंतज़ार करके ही निकलूँगा ऐसा लगता है मुझे। मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ और रुकने का फैसला भी। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और हम इन्हीं शॉप में बैठ कर गरम चाय की चुस्की लेते हुए करने लगे इंतजार बारिश के रुकने का।
लीजिए, बारिश रुक चुकी है और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक। ये है वो रास्ता जो लेकर जाएगा करेरी लेक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो करेरी लेक का ट्रैक है वो हम कर रहे हैं एलेक्स के साथ। इनका नाम एलेक्स भी है, काका भी है, तो दो दो नाम है, आप जिस नाम से चाहे बुला लीजिए। एलेक्स, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि टोटल ट्रैक का जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम करेरी विलेज यहाँ तक कितना है? एक्चुअली आपका करेरी से 3 किलोमीटर पुल तक गाड़ी आती है नौली ब्रिज तक जी। उसके बाद नौली से आपका करेरी लेक 10 किलोमीटर है, तो टोटल मतलब आपका 13 किलोमीटर हो गया। ओके, और जो ट्रैक है वो मतलब मीडियम है, ना ही तो ज़्यादा मतलब हार्ड है, ना ही ज़्यादा मतलब इजी। तो अगर 1 से 10 के स्केल पर आपको करना हो इसको रैंक, तो कितना दो? तो 50-50 है, मतलब 5 या 6 के लेवल पे है जी। लीजिए, सुनने में आ रहा है कि आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इनका कहना है कि जो नौली ब्रिज है जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था, गाड़ी वहाँ तक आती हैं, रोड की हालत ख़राब है, तो अपनी गाड़ी लेकर के आने की मत सोचिएगा। और टैक्सी लेके तो आप आ सकते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ के। ठीक है, तो चलिए आगे का ट्रैक शुरू करते हैं, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद जल्दी ही। पहली दुकान इस रूट की बिल्कुल मेरे सामने है। करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद आप छोटी सी शॉप तक पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर जा रही है, अक्सर लोग वीडियो को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, और यही वो गलती है जो लोग करते हैं। तो आपको इस जगह पर आकर जिस तरफ ये शॉप है इसकी तरफ जाना है और इस खड़ को क्रॉस करना है। चलिए देखते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? छोड़ा तो आपने हमें था। रास्ता यही है जो आगे जा रहा है, यहाँ से क्रॉस करना है। और यहाँ पे अपडेट कर दो कि झील कैफे है जो उसके साथ में नीचे को रास्ता जाता है। अच्छा, सीढ़ियां नहीं चढ़ना, वो घोड़े वालों का रास्ता है। मैंने वही बताया कि उस अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि सीढ़ियां चढ़ के उस तरफ निकल जाते हैं। तो ये झील कैफे है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, स्टोन के ऊपर झील कैफे लिखा हुआ था, तो ये वही झील कैफे है जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और इनका कहना है कि ये है रास्ता, इस तरफ से आपको निकल करके जाना है यहाँ। मैंने भी देखा था, मेरे को भी कभी पता लगा। क्या उन पेड़ों के बीच में से जाएगा? हाँ, यहाँ से ऊपर के लिए बस इसके झरने के साथ साथ जाना। देखिए वो है झील कैफे, और वहाँ से क्रॉस करके इस खड को, ये वही रिवर है जिसका पानी करेरी लेक से यहाँ तक आता है, इसी से कहा जाता है करेरी नदी। स्टीप चढ़ाई अब है। अरे अब मत करने का पीछे हो जा, अब मत भी हो पीछे अगर बने उधर रह जाएगा। तो एलेक्स, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं जी, ये इसी वाले पहाड़ के इस तरफ हैं इस तरफ, या ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है इस तरफ है, किस तरफ हम जाने वाले हैं? एक्चुअली जैसे हम अभी चढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने इस रिवर को फॉलो करना है। ओके, और जैसे रिवर को एक बार हम यहाँ से ऊपर से क्रॉस करेंगे, फिर हमने राइट हैंड साइड को जाना है ऊपर, इसके पीछे। ओके, तो हम उस पहाड़ी पे नहीं जाने वाले जो सामने, राइट हैंड साइड। ओके, ये जो नाला या रिवर बह रही है इसके राइट में ही रहना है हमको जी। रिवर को फॉलो करना है, फॉलो करना। ये जो रिवर है वो आपका आ रहा है करेरी लेक से। अच्छा, ये रिवर का पानी आता है करेरी लेक से? मतलब का कोई सीन नहीं है, मतलब रास्ता तो वैसे है ही, अगर किसी को नहीं लगता, मतलब आप अगर इस नाले को फॉलो करते हुए चढ़ेंगे तो हम ऊपर पहुंच सकते हैं आराम से। गुड डे जी, बहुत बढ़िया। तो एक हिंट मिल गया कि आपको इस नदी के राइट साइड पर ही रहना है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। पर यहाँ तक के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, मुझे इस ट्रैक को करके वाकई मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी ट्रैक को करके आता है।
सीढ़ियाँ हैं अभी तक, पर एलेक्स का कहना है कि बीच में प्लेन और सीढ़ियाँ, एक तरह का मिक्स टेरेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूबसूरत है, पत्थर से बनी हुई बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ और साथ में ये खूबसूरत पेड़, अमेजिंग है। और ये जो फ्रेश एयर है ना, बारिश के बाद जो सुगंध होती है हवा में, ये वैसी सुगंध है जो मैं अपने सांस के साथ अपने फेफड़ों तक महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ेदार है। करेरी लेक अभी तक के हिसाब से फुली रिकमेंडेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सफ़र का रोमांच अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाली है ओलावृष्टि, वो भी तेज़ हवा के साथ, जो इस बात का सबूत है कि ऊपर लेक पर स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन यह सब होगा अगले एपिसोड। सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम थोड़ा ही आगे निकले थे और किस तरह से ओले यानी बर्फ़ के गोले गिरने यहाँ शुरू हो चुके हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है अभी, लेकिन कहना है कि अगर करेरी में नीचे अगर बारिश होती है तो कहा जाता है कि वो करेरी लेक पे स्नोफॉल होता है, और ये शायद उसी बात का इंडिकेशन है कि ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। हम देखिए कहाँ छिप करके बैठे हैं बचाव के लिए। ये है वो पत्थर जिसका शेल्टर हमने लिया है, थोड़ी सी ओट की तरह एक छोटा सा शेल्टर लिया है हमने इस पत्थर के नीचे, और ये कैमरा को पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ओपन किया है ताकि कैमरा सेफ रहे। इस वक्त वाटरप्रूफ जो कंपार्टमेंट है जहाँ चार्जिंग होती है वो निकाला हुआ है, क्योंकि माइक कनेक्ट किया था। और ये है हमारे गाइड, आ जाओ, जगह है। हाँ शुक्र है ज़्यादा नहीं पड़ रहा। हाँ ऐसा ही लग रहा है, ऊपर तेज होगा। हाँ लीजिए, मुझे काफी टाइम बाद स्नो देखने को मिलेगी, कंफर्म हो गया लगता है। हमारे गाइड का कहना है कि अगर यहाँ इस तरह से ओले गिर रहे हैं तो ऊपर तो पक्का बर्फ गिर रही होगी। 100% है। ये किसका घर है? पेड़ खोखला है, सांप निकला तो अभी यहाँ से सीधे सीधे छलांग मारोगे नीचे? मैं नहीं मारूंगा सांप छलांग। ट्रैक इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। देखिए कितने लोग हैं जो जा रहे हैं करेरी लेक ट्रैक के लिए इन दिनों। ये यहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम है, और फुली रिकमेंड करते हैं कि आप भी इन दिनों में यहाँ जरूर आइए। क्या शानदार सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ स्टार्ट होती हैं, और ये लगातार आपको देखने को मिलेंगी वहाँ तक जहाँ वो अभी हमारे ग्रुप मेंबर हैं। एक ये दोस्तों वर्ल्ड स्टोन के इस कैफ़े का नाम है, और एक और कैफ़े यहाँ देखने को मिलेगा आपको डिस्टेंस वाइज करीब करीब 2 किलोमीटर। मैं किसी में भी रास्ते का झील से ऊपर, जो झील कैफ़े है उससे ऊपर का किसी ने भी रास्ते का व्यू डाला है, मे भी इसलिए क्योंकि रास्ता बहुत ही स्टीप है और चढ़ाई मुझे मुश्किल लग रही है। और लगता है इतना मुश्किल लग रही है कि ओ प्लीज़ इतना भी नहीं है, पर है डिफिकल्ट तो है, और स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज स्टेयर्स नो, इट्स लाइक 10 माले की बिल्डिंग को चढ़ना, यू नो कैन यू से दिस थ्रू आउट स्टेयर्स, बट एनीवेज दैट्स द फन राइट, दैट्स व्हाई वी आर हियर, सो लेट्स एंजॉय एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू हाउ इज द ट्रैक एंड अबाउट द डिफिकल्टी लेवल एंड सम हाइलाइट्स एज वेल। एक और जगह है जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ट्रैक को आइडेंटिफाई करने में। एक है रास्ता देखिए जो जा रहा है, और एक रास्ता ये है जो जाएगा इस तरफ, तो आपको ये इस तरफ छोटा रास्ता नहीं लेना है, आप जाएंगे इस वाले रास्ते से तो पहुँचेंगे करेरी लेक। तगड़ी बारिश होने वाली है, और जहाँ तक मैं भाई समझ पा रहा हूँ, चेक कर देख उस तरफ देखिए, वो सब दो डिंगे देख जरा, कलाकार हैं जो उस तरफ गिर रहा है ऊपर ही उठ के, और इस तरफ देखिए बादल दिक्कत हो गया, जब ना हुई क्या करेंगे, किस तरह से बरसने की तैयारी करते हुए सामने एक शेल्टर नजर आ रहा है, हम जल्दी से चल के उस
शेल्टर में जाने की कोशिश करेंगे ताकि तेज बारिश के हालात में हम खुद को बचा सके। और ये है मेरे शंकर ओले, और हमें जल्दी से पहुंचना होगा किसी शेल्टर तक। रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि कैमरा पे पानी जाने का खतरा, चार्जिंग सॉकेट के ऊपर कवर नहीं है इस वक्त। भैया देखना करीब आधा घंटा रुकने के बाद, बारिश के रुकने के बाद हमने वापस स्टार्ट किया है अपना ट्रैक। और अच्छी बात यह है कि अब सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है, उतरना है। अरे नहीं, देखिए कहने की देर थी, ये मैं सीढ़ियाँ उतरने की बात कर रहा था और वो देखिए कहाँ चढ़ के जाना है। ये यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और ये है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आगे निकलती हुई। तो चलिए वापस ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहा गया था हमें कि थ्रू आउट क्लाइंब है, तो क्लाइंब चढ़ते हुए। और गुडनेस, इस लड़की को देखिए सबसे आगे है। वेरी नाइस, कीप इट अप गर्ल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये। आज हम लोग यहाँ रुकेंगे क्योंकि लोकल लोग जो यहाँ खड़े हैं इनका कहना है कि मौसम ठीक नहीं है, ऊपर बर्फ़ गिर रही है और इस सिचुएशन में ऊपर ट्रैक करके जाना अकलमंदी नहीं है। तो आज रात हमारा बसेरा होगा इस जगह पर। ये उन लोगों की बात मानकर सब लोगों ने यहाँ टेंट लगाना शुरू कर दिया है। ये लोग भी आज यहीं रुकेंगे। और देखिए क्या खूबसूरत व्यू है इस वक्त, शानदार है ये। लीजिए, अपना बंदे ने तो टेंट लगाना शुरू भी कर दिया। टेंट इस गुफा में ना लगा लो, प्लेन एकदम यहाँ आग भी जला सकते हैं। सो शंकर ने यहाँ पे लगा लिया है टेंट इस जगह पर। और नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत दिखने वाला है। यहाँ पर हो गया टेंट और ये है पानी बहता हुआ। ये पानी आता है करेरी लेक से, ऊपर से होता हुआ और जाएगा नीचे वही नौली खड या नौली ब्रिज के पास। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गुफा के अंदर टेंट लगाऊँ, हवा से भी बचे रहेंगे। वैसे टेंट के अंदर हवा लगती नहीं। थोड़ा लकड़ी जलाने की मैं कोशिश भी करूँगा। तो ठीक है, बैग उठा के ले आता हूँ और यहाँ ट्राई करता हूँ टेंट लगाने का। चलिए चलते हैं फिर कुकिंग भी करनी है आज। देखिए ये है टेंट, इतना साफ़ सुथरा टेंट है, कमाल है भाई। ऐसा लगेगा कि कई बार यूज हो चुका है। 10 बार यूज़ कर चुका हूँ, 10 बार। एक दाग तक नहीं है कहीं। 10 बार यूज़। और ये रोप देख रहे हैं आप, मेरे वाली रॉप्स गंदी हुई पड़ी है और ये रॉप्स देखो आप, 10 बार एकदम शाइनिंग। 7 दिन श्रीखंड में लगाया इसको, 7 दिन तक। तुम धोते हो क्या हर बार? बिल्कुल, कभी भी नहीं धोया ही नहीं आज तक। तो गंदा क्यों नहीं है ये? फिर वही बात आ गई ना, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो मैं चीज को संभालता नहीं। तो नेचुरल सी बात है, मैं चीज को संभालता। पर इतना भी क्या संभालना भाई कि दाग तक नहीं है, मतलब ही नहीं। चलिए, किसी बंदे के साथ बड़ा पड़ा था मेरा। खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे हैं और ये वाकई अच्छी जगह है रात को रुकने के लिए। और स्पेशली जब कहा जाए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए तो ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा लकड़ियां लेके आते हैं, लकड़ी जलाएंगे आज। शंकर कैसा लग रहा है करीरी लेक का यहाँ तक का सफर? बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ा आ गया। मैं तो कहूँगा, सबको सजेस्ट करूँगा एक बार लाइफ में करीरी लेक का जो ट्रैक है ये ज़रूर करें। ऐसा ही ना, खुद का सामान लेके आएँ, इंजॉय करें, यहीं पे खाना बनाएं।
ऐसा ही कुछ मेरा मानना भी है, जो यहाँ नज़ारे हैं आप जैसे सामने देख सकते हैं, ये देखिए बादलों के पीछे छुपे हुए पहाड़, देवदार के पेड़ और गोल्डन कलर की घास, जो ये संकेत देती है कि सर्दियाँ जाने लगी हैं और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। कितने लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं ट्रैक करने के लिए। एक चीज़ तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये ट्रैक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं और आपको भी आना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जगह वाकई अच्छी है। कैंपिंग के शौकीन को तो हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप अपना खुद का टेंट और अपना पूरा सेटअप लेके आइए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ की जो नेचर है उसको एंजॉय कर सको। बाकी कोई ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है ये। एंड खास बात ये है कि आपको जल्दी नहीं करना है, आप बस नज़ारे एंजॉय करते हुए चलिए। स्टार्टिंग का टेरेन जहाँ हरे भरे पेड़ों के बीच से होकर के निकलता है, उसके बाद सेकंड फेज़ में आपको बहुत बड़े बड़े पेड़, उनके खूबसूरत शेप, और बाद में थर्ड स्टेज पे आपको ये पहाड़ जो इस वक्त आप देख रहे हैं। थ्रू आउट द ट्रैक ये बहता हुआ पानी आपको ऐसे ही अपनी आवाज़ या अपना मधुर संगीत सुनाता रहेगा, जैसे इस वक्त यहाँ हमें भी सुना रहा है। सोचिए रात ऐसी जगह पर रहना किस तरह का एक्सपीरियंस रह सकता है, हो सकता है। चलिए हम लोग भी टेंट लगाते हैं और सेटअप करते हैं आज का स्टे का ऑप्शन। मेरे ख्याल दिन के 2 ही बजे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो काफ़ी टाइम है इन्जॉय करने के लिए, कुकिंग इन्जॉय करने के लिए, और आज एक डेमो भी तो करने वाले हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, करेरी लेक आज डे 2 है। कल जैसे कि आपको पता है कि बारिश और आंधी और तूफान की वजह से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। इस वजह से हमें लोकल लोगों ने कहा कि आप आज ऊपर मत जाइए, ऊपर स्नोफॉल है, ब्रीदिंग तक का इशू हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने रात यहाँ इस जगह पर गुजारी। आज सुबह इस वक्त 7:30 बजे का टाइम है। इस ब्यूटीफुल वैली में कल हम 2 बजे से लेकर यहाँ पर रुके हुए थे, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। रात तक बारिश होती रही, लेकिन जब सुबह 5 बजे सो करके उठे तो आसमान में चमकते हुए सितारों ने हमें बता दिया कि आज का दिन अच्छा है, आज मौसम ख़राब नहीं है, आज हमें चलना चाहिए। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज है करेरी लेक, हम करेंगे 6 किलोमीटर पूरा, वहाँ रुकेंगे और आज ही करेंगे वापसी, क्योंकि कल मंडे है, मंडे से वर्किंग शुरू है। करेरी लेक भरा पड़ा है बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों से, इसलिए ये बनता है अ मस्ट टू डू ट्रैक ऑफ 2021। देखिए मैं कहाँ पर हूँ और क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो में आपने जिस पुल को देखा है, अब हम उसी पुल को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ तक का डिस्टेंस करीब करीब 5 किलोमीटर का है, 5 और हमें जाना है, तो चलिए चलते हैं आगे। इस पुल को क्रॉस करने के बाद सीधे आपको जाना है। दोस्तों करीब करीब आधा किलोमीटर और आगे निकल आने के बाद पहुंचा हूं इस खूबसूरत सी जगह पर। एक और ब्यूटीफुल सा नज़ारा है आपके सामने, ज़रा देखिएगा किस तरह से दिखती है ये जगह। खूबसूरत सी जगह आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सारा पानी बह कर के आता है करेरी लेक से और जाता है नीचे करेरी विलेज के पास से होता हुआ।
ये है एक शॉप जो यहाँ के लोकल गद्दी चलाते हैं। इस वक्त नहीं कोई आया क्योंकि हर रोज़ रात को ये घर चले जाएंगे, सुबह वापस आते हैं। 10 या 10:30 बजे शॉप्स ओपन होती हैं। और ये है शॉप के बाहर के खूबसूरत नज़ारे। और इमरजेंसी की कंडीशन में ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो शॉप के पास आपको इस तरह का ओपन स्पेस मिल जाता है। अगर आप अपना टेंट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ टेंट लगाइए, रुक जाइए, बस इतना सा। ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं टेंट लगाने का। ये है ट्रैक, हम यहाँ से होते हुए उस खड के आसपास कहीं से निकल के आगे पहुँचेंगे। एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप ट्रैक करते हैं रेगुलर तो वॉकिंग स्टिक पे इन्वेस्ट करिएगा। यह आपकी एनर्जी को ऑलमोस्ट 30-40% सेव करती है और वॉकिंग स्टिक के साथ चलना वाकई आसान होता है। ओके, सो कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने की तरफ, सब कुछ अच्छा। प्लेन एक जगह है, बड़े पत्थर, बहता हुआ पानी और वो बर्फ़ के पैचेस। लगता है ये बर्फ़ रिसेंटली गिरी है। पहाड़ों पर आप ये घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं उस पहाड़ की चोटी पर, और इसी तरह का है करेरी लेक का ट्रैक। धीरे धीरे चलते हुए हम पहुँचने लगे हैं स्नो वाले एरिया में। सामने आप देख सकते हैं कुछ स्नो पैचेज हैं जो अभी तक नज़र आ रहे हैं, और ये है ट्रैक हमारा करेरी लेक के लिए। इन सीढ़ियों को चढ़ते जाइए पत्थरों के बीच में से और आप पहुँच जाएँगे लेक तक। जैसे जैसे आप प्लेन को और लो हाइट हिल्स को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारों की खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू इज हियर विद ब्लू स्काई, ग्रीन हिल्स, दैट स्मॉल बिल्डिंग ओवर देयर, दैट्स अ स्मॉल टेंपल एंड बहता हुआ पानी। हर एक नज़ारा खुद में खूबसूरती को समेटे हुए है, और ये है वो खूबसूरत सा रास्ता जो हमें ले जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। अभी जो टेरेन आप देख रहे हैं ये रॉकी है, यहाँ बहुत सारे आपको पत्थर चट्टाने देखने को मिलेंगी। और इस वक्त हम धूप के इलाके में पहुँच चुके हैं तो ठंड लगने वाला सिचुएशन ख़त्म, वेदर ऑलमोस्ट प्लेजेंट है। और ये है वो करेरी लेक से होकर आता हुआ करेरी खड। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो मिक्स टेरेन है यहाँ के बाद से, 4 किलोमीटर और जाना है, 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। रास्ते से होते हुए हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये प्लेन जैसा लगता है। हमने 7:30 बजे शुरू किया था और अब बजे हैं 8:45 या 9:05 हैं। तो 9:05 का मतलब करीब करीब 2.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 2.5 घंटे 2 किलोमीटर ये है हमारी स्पीड अभी तक की। तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करें।
अब हम स्नो के एरिया में पहुंचने लगे हैं। आपको लेफ्ट साइड ट्रैक के दो स्नो पैच नज़र आ रहे होंगे और ये हैं वो लोग जो सीढ़ियां चढ़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता ये सीढ़ियां हैं जो आगे की तरफ लेकर चलेंगी आपको। तो आपको पहाड़ पर बर्फ के कुछ पैचेस नजर आने शुरू हो गए होंगे। सामने वाले पहाड़ पे देखिए किस तरह से बर्फ गिरी है और ये वो जगह है जहाँ इस वक्त हम लोग हैं और ये बर्फ के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। जगह खूबसूरत है, नज़ारे खूबसूरत हैं और रास्ता तो कहना ही क्या। करेरी लेक आ रहे हैं तो सिर्फ लेक के लिए आना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक खुद में इतना खूबसूरत है, हर एक जगह आपका दिल चाहेगा कि आप रुकें, थोड़ा वक्त बैठें और इन खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करें। काफ़ी नज़दीक हम पहुंच चुके हैं करेरी लेक के। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है नज़ारे खूबसूरत होते जाते हैं। ये है वो ट्रैक जो लेकर के जा रहा है हमें। ये एक शॉप है, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। और ये जो दो पहाड़ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला पहाड़, इन दोनों पहाड़ के बीच में से इन पत्थरों के यहाँ से एक रास्ता होकर के आगे जाएगा। बर्फीली हवा है, स्किन जो आप देख रहे हैं एकदम रेड हो गई है, नम है। अब हवा के थपेड़ों का इस पर पता नहीं चलता। बहुत ठंडा है क्योंकि मेरे आसपास बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अब मेरे पीछे पहाड़ को देखिएगा। तो सोचा था कि यहाँ कुछ खाएंगे लेकिन ये शॉप भी बंद है, तो लगता है कोई भी शॉप यहाँ 10:30 के पहले नहीं खुलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच रहा हूँ कॉफ़ी बना के पी जाए, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। गैस को ऑन करिए और ये रहा लाइटर। ओके, और स्टार्ट हो गया। तो बस रख दीजिए कॉफ़ी बनने के लिए। ओके, तो कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। गैस कर देते हैं बंद। कप हमारे पास लिमिटेड है, वाटर को काटा गुड है में से। तो जुगाड़ हो गया है, शुरू। कॉफ़ी हो गई है रेडी और ये है ब्लैक कॉफ़ी। इन भी कमा कर कृपा से इस शानदार नज़ारों को एंजॉय करते हुए ब्लैक कॉफी पीते हुए। जियो मेरे भाई, जियो 100 साल जियो। ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम कॉफी एकदम। तुम कितना दा फील कर रहे हो कॉफी पी। गॉड ब्लेस यू। Motivating me to climb up. Otherwise, I have lost power in my legs. इतना मजा आ रहा है, मैं भी पहली बार आया इस ट्रैक के ऊपर, सुना बहुत था। And thanks to thank you traveler. This is the girl वो जो हमारे को लेके आई है। हाँ, तो she has a company by the name thank you traveler. So किसी को अगर आना हो कभी तो आप ले सकते हैं सर्विस। क्या है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से क्या? She is saying look from here, how beautiful it is, and that's true. I can't believe, amazing. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ भाई, नहीं सिमरन,
यही से कर दो, रुको। ना भाई ना, ये तो गलत वाला सीन है। अभी इस तरह के बर्फ वाले नज़ारे एंजॉय करना चाहते हैं तो यही टाइम है आने का। ये है फरवरी मंथ और मार्च में भी ये स्नो आपको यहाँ ऐसे ही मिलेगी। यहाँ पंजे पे वेट रखना, ढलान है ना, पंजे पे वजन डालो, बस पंजे पे वजन रखो आगे। हाँ करेगा ही शू जैसे। हम अपने करेरी लेक ट्रैक के आखिरी दौर में पहुँच चुके हैं। जितने हम नज़दीक जाते जा रहे हैं उतने जा रहे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। देखिए पानी और बर्फ़ किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पर हैं, और ये है बर्फ़ का नज़ारा ऊपर पहाड़ पर। खूबसूरत नीला आसमान है, हरे भरे पेड़ और बहुत सारे वाइट पैचेज हैं स्नो के। और ये है वो ट्रैक देखिए जिस पर चल कर लोग बढ़ रहे हैं करेरी लेक की तरफ। ऐसे खूबसूरत नज़ारे क्या आपको मिस करने चाहिए? मैं तो कहूँगा नहीं। इससे पहले कि ये स्नो पिघल जाए, आइए ज़रूर, और स्नो के पिघलने के बाद भी यहाँ हरियाली का आलम होगा। जहाँ अभी आपको ये येलो ज़मीन नज़र आती है, यहाँ हरियाली इस जगह को घेर लेगी, तो सोचिए हरा भरा ट्रैक करेरी लेक का कितना खूबसूरत लगेगा। व्हाट अमेजिंग थिंग आई हैव सीन। देखिए कुछ ही दूरी पर मुझे ये केव नज़र आई है, पर ये एक शानदार सा स्ट्रक्चर है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दिस प्लेस इज सो अमेजिंग, हाउ बिग दिस केव इज। यू कैन स्टे, स्लीप, कुक, दैट्स सो अमेजिंग। और ये खूबसूरत नज़ारा है इस गुफा से। देखिए कितने लोग हैं पीछे जो इस ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं। इट्स फन टू वर्क ऑन स्नो एंड दिस इज द रियल वन, आई लव इट। वाह ब्यूटीफुल, ये वो नज़ारा है जिसके लिए आप इतना पीन देते हैं, कान सहन करते हैं और फिर पहुंचते हैं इस खूबसूरत सी जगह पर। Isn't it great? Beautiful. Amazing. ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए ये अलग ही तरह की फीलिंग है। Okay, come. ब्यूटीफुल वन। और अब देखिए नज़ारा मेरे पीछे का पूरा पहाड़ जो बर्फ़ से ढका है। अगर आपको याद है यही वो नज़ारा था, यही वो पहाड़ था जिसे हम कल सुबह देख रहे थे। और हम लेक के एकदम नज़दीक हैं, उसी पहाड़ का पानी है जो लेक में इकट्ठा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बर्फ़ में चलने की मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ। हमेशा जब भी आप बर्फ़ में चलें तो पूरा का पूरा पांव ये टिका करके चलिएगा, और जहाँ तक हो सके वेट को अपने पंजों पर रखिए। तो पूरा पांव टिका के चलिए, आप स्लिप नहीं होंगे। दो, आपके शूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास एक वॉकिंग स्टिक है, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। It gives you extra support while walking on the snow or on the hills. देखिए हम पहुँचने लगे हैं पहला खूबसूरत नज़ारा जो नज़र आता है मुझे उस तरफ, जो नज़र आ रहा है मुझे, so beautiful it is. कैसा लग रहा है आपको ये जगह देख करके? थकान उतर गई? Yes. यही वो जगह है जिसके लिए आप इतना पीन लेते हैं, चलते हैं। ये आखिरी कुछ 100 मीटर्स हैं। देखिए ये रास्ता नहीं, वो रास्ता है। कौन सा? ये पत्थर के ऊपर से जाओ,
मैं तो इधर ऐसी स्नो में चलने के लिए आ गया। पूरा पहाड़ इस वक्त बर्फ से ढका है और ये नाला जो बह करके जाता है बर्फ ने उसके पानी को भी जमा दिया, तो ऊपर आपको ग्लेशियर दिख रहा है, नीचे उसका बहता हुआ पानी। ये है खूबसूरत जगह यहाँ पर। अब जल्द ही आपको कुछ पहले नज़ारे देखने को मिलेंगे करेरी लेक के। शंकर महाराज पहुँचते हुए कैसा रहा ये पैच लास्ट वाला? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, ऑसम भाई साहब, मज़ा आ गया ये ट्रैक करके। सबको सजेस्ट करेंगे कि जो भी ट्रैक लवर हैं, जिनको कैंपिंग हाइकिंग का शौक है, आपका सारा कुछ यहाँ के फुल एडवेंचर होगा और आपका पूरा पैसा वसूल है। We have Sharad with us. Sharad, how is the experience? Very amazing. I haven't been to a place like this before. I have been to Gomukh, but it was like छोटा सा, you know, पानी इधर इधर, ये completely frozen lake है. Majority of the part is frozen. तो आप कहाँ से आए हैं? मैं आंध्रा से। Are you traveling alone? Traveling alone. Alone. And since when? Since 1 week. My plan is to travel for a 1 month. 1 month. From इधर से plan नहीं है, इधर से। तो अभी next destination क्या plan किया? Next destination Shimla or Zip. Okay. If you need any information, do call me. Take my number. दो या तीन मिनट और चलने के बाद आप पहुँचेंगे इस जगह और यहाँ आपको दिखने वाला है करेरी लेक का पहला खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, वो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पर, ये सब लेक है। इस तरह से ये सारी जगह करेरी लेक, ये अभी पानी फ्रोजन है, थोड़ा पानी यहाँ मेल्ट है, पानी मेल्ट होता रहेगा गर्मी से और बहकर इसी खड्ड से जाता रहेगा नीचे करेरी विलेज तक, और आप थ्रू आउट इसी ट्रैक से चलते हुए यहाँ पहुँचेंगे। अब हम इन सीढ़ियों को उतरते हुए थोड़ा और नज़दीक जाएंगे लेक के। इस वक्त आप करेरी लेक एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये वो जगह जहाँ बर्फ पिघल चुकी है। इसके उस तरफ भी स्नो है, इस तरफ भी स्नो है, और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जमी हुई लेक है। अगर आप जंप करके इसके उस तरफ भी जाएंगे तो ऐसा ही हार्ड स्नो सरफेस आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। ग्लेशियर लेक अभी फ्रोजन कंडीशन में है और ये सबसे बढ़िया टाइम है यहाँ आने का। आप देख पाएंगे ये एक बाउंड्री वॉल यहाँ बनाई गई है और इसी बाउंड्री वॉल से छन कर जो पानी जाता है वो जाता है करेरी खड्ड में। नौली ब्रिज के वहाँ जो आप पानी देख रहे थे वो यहाँ से बह करके जा रहा है, तो एक्सेस वाटर ही यहाँ से फ्लो करके इस तरफ जाता है, रेस्ट वाटर इस लेक में स्टोर्ड रहता है। तो ये लॉन्ग एक लेक बनती है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मंदिर के अंदर टेंट लगाना मना है, तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि इसके आसपास के प्लेन एरिया में आप टेंट लगा सकते हैं। तो अगर आप अपना टेंट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ लगा करके रुक जाइए, अदरवाइज यहाँ टेंट आपको किराए पर मिल जाएगा। देखिए, जब आप टेंट यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, ये आपको खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। सुबह उठते ही आप पंछियों की चहचहाहट और शीतल हवा का आनंद ले पाएंगे। ये है खूबसूरत सी जगह करेरी लेक की और ये है यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं, बेखबर हमसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, ऐ आसान जान जान, खुद से जो अगर तुम पूछो,
तुम्हार के नहीं, तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है। दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। खाना और बाकी चीज़ें यहाँ महंगी ज़रूर होंगी क्योंकि कॉस्ट ऐड हो जाता है सामान को इतने ऊपर तक लेकर आने का, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैगी का आपसे 50 रुपये चार्ज किया जा सकता है, चाय 20 रुपये, कॉफ़ी 30 रुपये, पानी की बोतल का 50 रुपया। अब वक्त हो चला है वापस चलने का क्योंकि आज ही हमें करेरी विलेज पहुँचना है, वहाँ से वापस धर्मशाला जाना है और वापस निकलना है अपने डेस्टिनेशन पर। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये करेरी लेक आपको पसंद आई होगी, लिस्ट में रखिए और आइए ज़रूर एक बार। दिस पाथ इज़ रियली ब्यूटिफुल, चेक। दिस इज़ वाइल कमिंग बैक फ्रॉम करेरी लेक और ये वो ब्रिज है जिसको हमने जाते हुए भी आपको दिखाया था पिछले एपिसोड में, और अब मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ। तो वापसी के वक्त का नज़ारा आप देख लीजिए किस तरह का है, वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, एक शॉप है और वहाँ बहुत सारे टेंट लगे हैं। सुबह 7:30 बजे इस जगह से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और अब 3:15 हुए हैं, तो टेक्निकली आने में लगे मुझे 2.5 घंटे और यहाँ से जाने में लगे थे करीब 3.5 घंटे का टाइम, या 3:50 टू बी प्रिसाइज, तो 3:50 टू गो, 2 आवर्स सम मिनट्स टू कम बैक। 6 किलोमीटर है डिस्टेंस जो कवर किया था मैंने 3:50 के इसमें। अब यहाँ से बैग उठाना है और हमें जाना है 7 किलोमीटर और, तो ये है पूरा अभी तक का जर्नी का प्लान। तो चलिए आगे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। शाम के 6:15 का टाइम है और हम लोग पहुँच चुके हैं वापस नॉली ब्रिज। इस तरह से हमारा करेरी लेक का ये ट्रैक ख़त्म हुआ। अब बस हम यहाँ से 3 किलोमीटर और वॉक करके जाएंगे करेरी विलेज, वहाँ पर हमारी बाइक है और बाइक लेकर हम पहुँच जाएंगे वापस चंडीगढ़। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही किसी और सीरीज में।
मरेगा मुझसे।